हाय गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग विद प्रीति पूजा। आज मैं आपके साथ कड़ी बड़ी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बिना बेसन को ज़्यादा फेंटे हुए कम मेहनत करके स्पंजी बड़ी की रेसिपी बताने वाली हूँ, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। तो आइए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बड़ी बनाएंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर 5 टेबल स्पून या आधा कप बेसन लिया है। इसमें हम आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। पेस्ट रेडी करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि ज़्यादा पानी एक साथ नहीं डालना है। एकदम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर धीरे धीरे स्मूथ पेस्ट रेडी कर लेंगे। इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, पर बाय चांस अगर ज़्यादा पानी पड़ भी जाए तो उसमें हम थोड़ा बेसन डालकर अच्छे से वापस मिक्स कर लेंगे। अब एक कढ़ाई में 3-4 बड़े चम्मच तेल गरम करेंगे। मैंने यहाँ पर सरसों तेल लिया है। फ्लेम को मीडियम रखना है और जैसे ही तेल गरम हो जाए इस तरह से छोटी छोटी बड़ियां बना लेंगे। डालते ही तुरंत ना पलटें, थोड़ी देर के बाद ही पलटें। उलट पलट कर हल्का ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेंगे। ये रेडी हो गया है तो मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये हमारी सारी बड़ियां बनकर रेडी हैं। अब ये कढ़ी में जाने के बाद सॉफ्ट रहे इसके लिए हम इसे गर्म पानी में सोक कर देंगे। तो ये मैं इन्हें गर्म पानी में डाल देती हूँ। अब इसे मैं ढककर साइड में छोड़ देती हूँ, तब तक हम कढ़ी की तैयारी कर लेंगे। कढ़ी की बघार के लिए मैंने यहाँ पर कुछ सामग्री ली है। 8-10 करी पत्ता, 10-12 मेथी के दाने, 3-4 लौंग, एक हरी मिर्च जिसे मैंने इस तरह से काट कर रेडी कर लिया है, एक छोटी चम्मच राई और एक छोटी चम्मच जीरा। अब एक बड़े बाउल में हम 4 टेबलस्पून बेसन ले लेंगे। अब इस बेसन में हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, एक छोटी चम्मच जीरा पाउडर, एक छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लें। और एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे। आधा टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इन सारी सामग्री को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गुठलियां ना हो इस बात का ध्यान रखेंगे। सारी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं, तो अब हम इसमें छाछ या मट्ठा ऐड कर लेंगे। छाछ को इंग्लिश में बटर मिल्क भी कहते हैं, तो मैंने इसमें आधा लीटर का एक पूरा पैकेट डाल दिया है। मिक्स कर लेंगे। छाछ की जगह पर आप 1 से 1.5 कप दही में भी इसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। ये पानी मैंने उसी बाउल को साफ करके ऐड किया है जिसमें मैंने बड़ियां बनाई थी, जिससे बाउल में लगे बेसन वेस्ट ना हो और कढ़ी के काम में आ जाए। अब एक कढ़ाई में 1 टेबलस्पून तेल गरम करेंगे। इस बार हम कम से कम तेल यूज करने की कोशिश करेंगे। तेल गरम हो गया है, बघार की सामग्री डाल देंगे, भून लेंगे। अब लगभग 1 पिंच हींग डाल देंगे, भून लेंगे। फ्लेम को लो कर लेंगे। अब बेसन और छाछ वाला घोल डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। अब मीडियम टू लो फ्लेम पर बीच बीच में चलाते हुए एक उबाल आने देंगे। कढ़ी में उबाल आ रहा है और ये गाढ़ी भी हो रही है। कढ़ी रेडी होने के बाद में भी वापस और गाढ़ी हो जाती है, इसलिए हम इसे अभी थोड़ा पतला कर लेंगे। तो मैं इसमें 1 कप पानी ऐड कर रही हूँ। अब वापस एक उबाल आने देंगे। जब तक कढ़ी में उबाल आता है, बड़ियां जो हमने पानी में भिगा के रखी थी उन्हें एक बार चेक कर लेंगे।
आप देख सकते हैं कि बढ़िया बहुत ही अच्छी तरह से भीग कर साइज में डबल हो गई हैं और स्पंजी भी हो गई हैं। तो गर्म पानी में सोक करने का फायदा आप देख सकते हैं। अब हमारी कढ़ी में बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है। 5 मिनट तक इसे ऐसे ही धीमी आंच पर उबलने देंगे ताकि बेसन और लहसुन का पेस्ट जो हमने ऐड किया था वो अच्छी तरह से पक जाए। 5 मिनट हो गए हैं, अब हम बढ़िया ऐड कर लेंगे, चला देंगे, फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और लगभग 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही बीच बीच में चलाते हुए कढ़ी को उबलने देंगे। 5 मिनट हो गए हैं, कढ़ी में बहुत ही अच्छा उबाल आ रहा है। मुझे कढ़ी का तीखा मीठा टेस्ट बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए मैं इसमें लगभग 2 टेबलस्पून गुड़ ऐड कर रही हूँ, पर आपको पसंद ना हो तो बिल्कुल ऐड ना करें। अब मैंने फ्लेम को लो कर दिया है और अब हम इसे गुड़ के गलने तक यानी कि 2-3 मिनट तक और उबाल लेंगे। लगभग 3 मिनट हो गए हैं, अब हमारी कढ़ी रेडी है। मैंने गैस बंद कर दिया है। अब लास्ट में मैं इसमें बारीक कटा हरा धनिया डाल दूंगी, इसे सर्व कर लेंगे। कढ़ी बनाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कढ़ी अच्छी तरह से कम 10 से 15 मिनट के लिए ज़रूर उबलनी चाहिए ताकि जो बेसन और लहसुन का पेस्ट हमने ऐड किया है वो अच्छी तरह से पक जाए, कच्चेपन का टेस्ट ना आए। हमारी कढ़ी रेडी है और ये बढ़िया बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। मैं इसे चम्मच से काट कर दिखाती हूँ। सॉफ्ट कढ़ी बनाने के लिए हमेशा कोशिश करें कि ज़्यादा पुराना बेसन ना हो, ज़्यादा पुराने बेसन से भी हार्ड बड़ियाँ बन जाती हैं। बिना बड़ियों के भी आप कढ़ी बना सकते हैं। कढ़ी को हम चावल, रोटी या खिचड़ी के साथ तो सर्व करते ही हैं, ये समोसे, कचौरी और खमड़ के साथ भी कई जगहों पे सर्व की जाती है। और इतना कढ़ी आप 5 से 6 लोगों को आराम से सर्व कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको सॉफ्ट बड़ियों वाली कढ़ी की रेसिपी बताई है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी बनाकर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।